हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है सरना डिजिटल दुनिया में, यानी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल। नया सवेरा, नया दिन, नई उम्मीद के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के बारे में रहेगा, जो आईटी डिप्लोमा इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, एमबीए किए हुए हैं, उन सब के बारे में जानकारी रहेगा। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, आज अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी न्यू टाउन एरिया। बेंगलोर सिटी से ही कनेक्टेड है, बेंगलोर सिटी के बाजू में पड़ता है, साइड में पड़ता है, किनारे में पड़ता है। अगर हम बेंगलोर सिटी के बारे में थोड़ा बात करें तो बेंगलोर सिटी आईटी सिटी हब के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मौसम की बात करें तो यहाँ पे साल भर काफ़ी सुहाना मौसम रहता है, साल भर बारिश होते रहती है। आज अभी आप देख रहे होंगे कि बादल बादल सा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है आंधी तूफान बारी भर कम बारिश आने वाली है। बेंगलोर सिटी में अधिकतर ज़्यादातर आईटी सिटी सेक्टर की कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं ज़्यादातर। यहां बेंगलोर सिटी में हज़ार से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। बेंगलोर सिटी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फेमस है। इसका रीजन तीन चार रीजन है। पहला, सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी सिटी सेक्टर की कंपनियां। दूसरा है, साउथ मूवी के वजह से फेमस है। साउथ मूवी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, हाल फिलहाल में आया हुआ था KGF चैप्टर 2, वो हर बच्चा जानता है रॉकी भाई को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 500 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, उनमें से अधिकतर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं। और सॉफ्टवेयर कंपनी यहां पे 10 से 15 के बीच में है, जो कॉरपोरेट ऑफिस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। कंपनियों का नाम लूँ तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में पहला नंबर पे टाटा, जो कि पेज 1 पेज 2 पे इसका यूनिट है, 4-5 यूनिट है। टाटा पावर है, टाटा सोलर है, टाटा एडवांस सिस्टम है, इस तरह करके है। और यहाँ पे मारुति, सुजुकी, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, भारत बेंज, LNT यानी कि लार्सन एंड टर्बो, सारा कंपनियाँ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मिल जाएगी। सारा कंपनियाँ अलग अलग पार्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको, अगर आप ITI डिप्लोमा इंजीनियर, बीटेक, एमटेक किए हुए हैं, तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाएगा। एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में 2 साल से ज़्यादा हो गया, मेरा प्राइवेट सेक्टर में मेरा भी नौकरी है, जॉब है, तो मुझे काफ़ी जानकारी है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में, बेंगलोर सिटी के बारे में। आपको पोस्ट के हिसाब से सैलरी रहेगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी रहेगा। जो भी ITI डिप्लोमा इंजीनियर किए हुए हैं उन सब के लिए अच्छा बात है। अगर आप किए हैं और आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, सरकारी नौकरी भी नहीं लग रहा है, आप कंफ्यूजन में हैं, डाउट में हैं, तो आपका इंतज़ार बेंगलोर सिटी कर रहा है। आपको बस आना है, आप अपने लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, परिवारों को हेल्प करना चाहते हैं, रिश्तेदारों को मदद करना चाहते हैं, तो आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए बेंगलोर सिटी आ सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिसका एक्सपीरियंस है, जो ऑटोमोबाइल किए हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। साल भर वैकेंसी चलते रहती है, यहाँ पे कंपनियाँ हर दिन बन रही है, उसके हिसाब से लाखों में यहाँ रोज़गार है। आप यहाँ आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन गूगल मैप दिया रहेगा, उस पर आप चेक कर सकते हैं, आ सकते हैं। अगर हम रूम रेंट की बात करें तो नियर बाई आपको रूम रेंट मिल जाती है इजीली, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आराम से रूम मिल जाता है। कंपनी के नियर बाई रूम अवेलेबल रहता है, रूम का कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो आपके लिए इजी पड़ जाता है रूम रेंट, सिंगल में थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। किसी बड़े बुजुर्ग ने कह गए हैं कि रात के अंधेरे में खुद की परछाई अपना साथ छोड़ जाती है, और आप दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं।
आप अपनों का हेल्प करना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है पैसों का, तो आप आ सकते हैं। रात के अंधेरे में खुद की परछाई अपना साथ छोड़ जाती है और आप दूसरों के उम्मीद में दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं। अपने भी तब साथ देते हैं जब आप दूसरों के मदद कर सकते हैं, दूसरों का हेल्प कर सकते हैं, तभी अपना रिश्तेदार भी अपनों का हेल्प करते हैं, नहीं तो आपको अपने ही छोड़ जाते हैं। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सैलरी के बारे में अलग से सेपरेटली वीडियो रहेगा, अगला वीडियो में सेपरेटली सैलरी के बारे में डिटेल्स रहेगा, पीएफ सीएफ सब उस पर जानकारी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद में आया होगा। आप सबको पसंद में आया होगा तो आपको लग रहा है ये वीडियो सही है तो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।